आप सभी को नमस्ते। मैं पुनः आज अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आ गई हूँ। और मैं आई क्यों हूँ? मैं आई हूँ हिस्ट्री पढ़ाने। किस क्लास को? क्लास 8 को। क्या पढ़ा रही हूँ मैं? हिस्ट्री में मैं मुगल काल के बारे में पढ़ा रही हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी मुगल काल के सबसे प्रतापी, सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में। ऐसे तो बाबर को माना जाता है कि बाबर ने सबसे पहले भारत को अपने अधिकार में लिया, तो उसको वो लोग कंसिडर करते हैं कि सबसे प्रतापी। लेकिन अगर इतिहासकार की नज़र से हम इतिहासकारों की नज़र से अगर देखा जाए तो मुगल काल का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो बाबर तो था ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन बाबर के साथ अकबर, अकबर ने पूरे भारत को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब अकबर की शुरुआत कब हुई थी? तो अकबर की शुरुआत हुई थी कब, मैंने आपको बताया था, हुमायूं के मृत्यु के उपरांत। हुमायूं की मृत्यु जब हुई तो कब हुई थी? 1556 में। और अकबर भारत में मुगल सत्ता के संस्थापक में सबसे शक्तिशाली शासक हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाबर और हुमायूं के बाद अपना जो उनका कार्यकाल था उसका पूरी तरह से विकास किया। उस समय भारत में एक सत्ता की कमी थी। वो देख रहा था, क्या देख रहा था, कि हम विस्तार तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमको यहाँ के भारत के लोगों का साथ मिलेगा। भारत में शासक वर्ग हुआ करते थे क्षत्रिय वर्ग, तो वो देख रहा था कि हिंदुओं का साथ चाहिए और हिंदुओं का साथ में मुख्यतः मुझे शासक वर्ग का साथ चाहिए। अगर शासक वर्ग का साथ नहीं मिलेगा तो हम कभी भी इस जगह को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो बहुत दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था। और मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था 1562 तक का काल। 1560 में बैरम खां उससे अलग हुआ और दो साल कहा जाता है वो उस समय वहाँ पर महिला सत्ता हुआ करती थी जिसका वो संरक्षण करता था। दो साल उसके अंतर्गत रहने के बाद कहा जाता है 1563 में, कहा क्या जाता है, लिखा ही हुआ है, 1563 में उसकी विवाह होती है किससे? जोधाबाई से। और उसके बाद वो अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया कि 1562 के बाद से 1563 से वो भारत में अपनी व्यवस्था को लागू करने लगता है। और इसमें उसने क्या सोचा कि मुझे अब ऐसा एक संबंध बनाना होगा भारत में रहकर भारतीयों के साथ जिससे कि ये हमको अपनाएं। जब तक भारतीय अपनाएंगे नहीं, भारतीयों के साथ तालमेल नहीं बिठेगा, तब तक कभी भी कोई सत्ता आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसको ध्यान में रखकर अकबर की, चूंकि मैंने आपको बताया था कि अमरकंठ के शासक के यहाँ उसकी जन्म हुई थी, उसका जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ था, उसके पिता और माता घूमते घामते बचते बचाते पहुँचे थे, तो कोई उनको आसरा नहीं दे रहा था, अपने कोई लोग उनको आसरा नहीं दिए थे। तो उस समय एक हिंदू शासक के परिवार में उनको आसरा मिला और उसी आश्रय में उनका जन्म हुआ। और कहा जाता है 2-3 साल वो वहाँ रहे भी थे और इस प्रकार उनका लगाव भी था हिंदुओं के साथ। और बाद में यही परिलक्षित होता है कि जब उनका विवाह संबंध होना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने हिंदुओं घर में शादी की और हिंदुओं के साथ तालमेल बिठाया। और हिंदुओं को कहा जाता है मुगलों के समय में बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो अकबर ने अपनी न्यायप्रियता को भी बढ़ाया था, दूरदृष्टि वाला था और लोगों के साथ मिलजुल कर रहकर न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता के साथ भारत में शासन करना चाहता था। इस क्रम में उसने क्या किया, भारत के हिंदू शासकों से मित्रवत व्यवहार किया, उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए। इसी क्रम में उसने अपने पूरे प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कराया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में मुगलों में जब बाबर आया तो वो भी लड़ता रहा, धन इकट्ठा करता रहा। हुमायूं भी लड़खड़ाते लड़ता रहा, धन इकट्ठा करता रहा। तो प्रशासन नाम की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो व्यवस्था को जो व्यवस्थित ढंग दिया वो किसने दिया मुगल काल में? तो अकबर ने दिया। और अकबर का ही दिया हुआ सत्ता व्यवस्था काफी दिनों तक रहा, कहा जाता है ब्रिटिशर के आने तक रहा, और ब्रिटिशर भी इसको मानते रहे और आज भी हम इसको मानते हैं। और ये सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, किसी भी देश की दशा और दिशा निर्धारित करती है। कोई भी देश तभी अच्छे से काम करेगा जब वहां का कार्य प्रशासन अच्छे से काम करे, वहाँ का शासक वर्ग
का एक कार्यालय हो, एक नियम हो, एक कानून हो और उसके तहत उसके अनुयायी उसको मानने वाले उसका अवलोकन करें और कार्य करें, तो ये कार्य प्रणाली ही प्रशासन कहलाती है। यानी कि अपना अपने ऊपर शासन और अपना अपने ऊपर जो मानव शासन कर लेता है तो वही उसके अनुयायी बनाने शुरू हो जाते हैं। तो अकबर ने क्या किया, शासन करना प्रारंभ किया और शासन करने के प्रारंभ के लिए उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। जैसे कि आज वर्तमान में भी हम लोग शासन व्यवस्था के दो रूप देखते हैं, अभी सिर्फ तरीके बदल गए हैं, अभी राजसत्तात्मक नहीं है, राजा का परिवार नहीं काम करता है, अभी लोकतांत्रिक सरकार चलती है। लेकिन कि कोई भी सरकार दो रूप में चलती है और एक चलती है राज्य स्तरीय और दूसरी केंद्र स्तरीय। अब चूंकि सुविधा के अनुसार राज्य स्तरीय को भी फिर प्रांतीय में बांटा गया है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये अकबर के समय से ही लिया हुआ व्यवस्था है और यही वो कारण है जिसके कारण हम लोग अकबर को महान कहते हैं। क्यों महान करते हैं, क्योंकि अकबर ने न सिर्फ प्रशासनिक सुधार किए, अकबर ने धार्मिक सुधार भी किए, अकबर ने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया। धार्मिक सुधार के अंतर्गत उसने हम लोगों से टैक्स लेना बंद किया, धार्मिक टैक्स जिसको हम जजिया कर के रूप में दिया करते थे, वो गैर मुसलमान यानी हिंदुओं से लिया जाता था। जब पूजा पाठ करने हम कहीं जाते थे तो वो टैक्स हमारे लिए बंद हो गया। और दूसरा, हमारे यहाँ सती प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय भी जाता है किसको, अकबर को। यानी अकबर उसी जमाने में सती प्रथा के ऊपर आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था। बाद में जाकर कालांतर में जाकर राजा राम मोहन राय ने उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण की, ब्रिटिशर्स ने उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण की और इसको एक कानून बनाकर ख़त्म किया। उसी तरह बाल विवाह को भी उसने बंद किया। अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने नियम बनाया था कि कोई भी स्त्री और पुरुष की शादी तभी होगी जब पुरुष 16 साल का होगा और स्त्री 14 साल की होगी। तो ये नियम कानून उसने बनाया था जिसके कारण अकबर को अकबर महान कहा जाता है। उसने बहुत सारी सुधार की पद्धतियां अपनाई थी। तो अभी हम ध्यान देंगे उसने कौन कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी। तो मैंने जैसे ही कहा कि उसने प्रशासन को बांट रखा था, इसमें साम्राज्य में, सूबे में, सरकार में, परगना में, प्रखंड में और गांव में, जो कि आज भी हम लोग देखते हैं परिलक्षित होता है। और फिर ये ऐसे करके काम होता था, सबसे ऊपरी इकाई होता था साम्राज्य और सबसे निचली इकाई होता था गांव। और उसके बाद इसके अंतर्गत साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन चलाता था कौन, तो केंद्रीय प्रशासन, और गांव में कौन चलाता था, परगना से होते हुए कौन चलाता था, तो यहाँ पर चलाता था प्रांतीय प्रशासन। आप ध्यान देंगे केंद्रीय प्रशासन, अभी मैं आपको केंद्रीय प्रशासन के बारे में ही बताऊंगी, प्रांतीय प्रशासन इसके बाद मैं बताऊंगी। केंद्रीय प्रशासन में हमेशा केंद्र में होता था कौन, तो राजा, बादशाह, और वो अपने साथ मंत्रियों का समूह रखता था। जैसे अभी के जमाने में भी हर कार्यालय का अपना अपना एक मंत्रालय है जो कि कार्य की देखभाल करता है और हर के एक एक मंत्री हैं जिनके अंतर्गत उप मंत्री हैं, उन जिनके अंतर्गत सचिव हैं, उनके अंतर्गत कार्यकारी पदाधिकारी हैं। तो ये सिस्टम पहले भी था। अब इसको मैं अगले कक्षा में कंटिन्यू करती हूँ, आपको बताती हूँ कि अकबर महान क्यों थे, क्यों आज भी हम उनकी शासन व्यवस्था को मानते हैं, क्यों अकबर ने इतनी सारी दूरदर्शिता अपना कर सुधार के कार्य किए, ये सारे कुछ अभी भी हम अपना रहे हैं, कर रहे हैं, यानी कि अकबर सच में महान थे। ध्यान दीजिएगा।